Hello everyone, this is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a vastu expert. And I'm here to take your daily tarot scope. Yes, we will tell you how your day today, that is 12th of July, will be for you. Let's start with our first rashi. Which is Aries, Mesh Rashi. Cards are 10 of coins and ace of pentacles. Wow, Aries, today's day. Oh my God, ऐसे लग रहा है पैसों की बारिश होगी, यू नो, बरसात होने वाली है. गड़ा हुआ खजाना किसी को मिल जाए तो वो आज एरीज को मिलने वाला है. जी हाँ, कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकती है. ऐसी न्यूज़ आ सकती है कि भाई दादाजी आपके नाम पे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, तो आप तो रातों रात करोड़पति बनने वाले हो. इस तरीके की न्यूज़ भी आपको सुनने को मिल सकती है. काम को लेकर के, अपनी नई जॉब को लेकर के भी एक नई शुरुआत दिखाई देती है. जो लोग बोल रहे हैं कि भाई देखो पीछे दादा वादा के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है मैम, तो हमारे साथ क्या कुछ अच्छा नहीं होगा. नहीं, आपके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड आया आज. तो काम को लेकर के भी नई शुरुआत होगी जो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा पैसा कमा के देता हुआ नजर आ रहा है. कुछ लोगों ने अगर नई जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो वहां से भी आज आपको कॉल आ सकती है और नई जॉब आपको ऑफर हो सकती है. तो बहुत ही प्रोडक्टिव डे, पैसा हर जगह से आता हुआ दिखाई दे रहा है. एरीज, आपके लिए खुशी भरा दिन है. मुझे नहीं लगता कि आज के दिन में कहीं पर भी कोई स्कोप है किसी भी तरीके की सैडनेस का, किसी भी तरीके की मासूमियत का. बहुत खुश मुझे आप नजर आ रहे हैं. कलर की बात करूं तो यहाँ पे ग्रीन कलर लकी रहेगा. नंबर्स की बात करें तो नंबर 1 आपके लिए लकी रहेगा. टॉरस, कार्ड्स आए हैं 7 of cups and 5 of cups. भाई ख्यालों में खोए हुए हैं आज पूरा दिन आप. ऐसे लग रहा है डे ड्रीमिंग चल रही है. और डे ड्रीमिंग में आखिर देख क्या रहे हैं? क्या आने वाले भविष्य के सुनहरे सपने देखे जा रहे हैं? नहीं, जो बीता हुआ दुख है उसको याद किया जा रहा है. जो पुराना लव पार्टनर है उसको याद कर करके रोया जा रहा है. तो आज का दिन प्रोडक्टिव हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ. कहीं ना कहीं मुझे आप थोड़ा सा दिन खराब करते हुए, वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो. लेकिन दिन की एनर्जीज की हम यहाँ पे बात करें तो मैंने बता दिया, पूरा दिन ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग करते हुए नजर आएंगे. किसी पार्टनर को याद करके रोते हुए नजर आएंगे. इमोशनल सैडनेस आज आपको घेरे रहेगी. कलर की बात करें तो ऑरेंज कलर लकी रहेगा. नंबर्स की बात करें तो नंबर 7 आपके लिए लकी रहेगा. जो है जेमिनी, मिथुन राशि, कार्ड्स आए हैं द डेविल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ऐसे लग रखा है जैसे आप रियली किसी को बोलना चाहते हैं कि डूड आई एम फीलिंग लाइक आई एम अंडर द स्पेल. मतलब कोई खूबसूरत महिला है आपकी ज़िंदगी में और आपको लग रहा है जैसे उन्होंने आपके ऊपर कोई जादू कर दिया है कि आपको उनके अलावा और कोई नज़र ही नहीं आता. तो ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें इस कदर पसंद आ जाता है कि हमें उनके अलावा कोई नज़र नहीं आता. बट यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है कि उसकी वजह से आपका काम बहुत हैम्पर हो रहा है. आपका सारा का सारा जो ध्यान है वो उस लेडी की तरफ चला गया है. आज आप पूरा दिन सिर्फ उनकी बातें कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. स्पेसिफिकली आज के दिन आपको स्नेक से बचने की ज़रूरत है. अगर आपको आसपास कहीं पे गलती से स्नेक दिख जाए तो उससे अपनी दूरी बिल्कुल बनाए रखें क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है. कलर की यहाँ पे मैं बात करूँ तो रेड कलर जो है आपके लिए लकी रहेगा. नंबर्स की बात करें तो नंबर 9 आपके लिए लकी रहेगा. कैंसर, कर्क राशि, कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंगमैन. ओके, तो यहाँ पे आपका जो अगर बोली रिलेटेड काम है तो उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही. काम अच्छा जाएगा, फ्लो अच्छा रहेगा, कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आज आपको सुनने को मिल सकती है. वहीं पे पर्सनल लाइफ के अंदर आपको ये फीलिंग आ सकती है दैट आई एम स्टक, डूड इट्स नॉट मूविंग. मतलब कहीं पे कोई मूवमेंट है ही नहीं. और कुछ लोगों को तो ऐसी फीलिंग भी हो सकती है कि मेरी पर्सनल लाइफ ही नहीं है. यू नो, काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, काम में आप बहुत सारे लोगों के आसपास भी हैं, बहुत सारे लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर के इंडिकेशन है कि आज आप बहुत ज़्यादा अलूफ, एकदम स्टक और अलोन फील कर सकते हो. कलर्स की हम यहाँ पे बात करें तो ब्राउन कलर लकी रहेगा. नंबर्स की बात करें तो नंबर 9 आपके लिए लकी रहेगा. सिंह राशि, कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ कॉइन्स एंड 3 of wands. काम को लेकर के बहुत अच्छा दिन है. अपने आपका अगर कोई बिजनेस है तो उसको एक्सपैंड करने की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो, स्ट्रैटेजीज बनाते हुए नजर आ रहे हो. काम को लेकर के आने वाले समय पे कहाँ का ट्रैवल कर रहा है उस तरीके की प्लानिंग मुझे यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है. अगर आप अपनी जॉब में ना खुश है तो यहाँ पे मुझे आप नई जॉब के लिए नए नए ऑफिस में अप्लाई करते हुए भी नजर आ रहे हो. तो कुल मिलाकर के आपका जो फोकस है वो फ्यूचर के टुवर्ड्स मुझे नजर आ रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए आज आप मुझे बहुत मेहनत करते हुए भी नजर आ रहे हैं. कलर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑफ वाइट कलर लकी रहेगा. नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 3 आपके लिए लकी रहेगा. वर्गो, कन्या राशि, कार्ड्स आए हैं 8 of swords and 3 of swords.
माय गॉड, काफ़ी लोगों का हार्ट ब्रेक हो सकता है, दिल में बहुत तकलीफ हो सकती है। ये दिल की तकलीफ आपकी हेल्थ वाइज भी हो सकती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी आ सकती है। आप बहुत इमोशनली अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्टक फील करने वाले हो, कहीं बाहर नहीं जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। आज अपने आप को जो है कमरे के अंदर बंद करके बैठ जाओ और डिसाइड कर लो कि आज किसी से बात नहीं करनी, किसी से नहीं मिलना, काम पर नहीं जाना, एंड आई एम नॉट गोना टॉक टू एनीवन। इस तरीके की एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई देती है। कलर की बात करूँ तो स्काई ब्लू कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करें तो नंबर 8 आपके लिए लकी रहेगा। लिब्रा, कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ कोई लोग ना, काफी ज्यादा लोग काम में बहुत इंटरेस्टेड है, आपके साथ मिलकर के काम शुरू करना चाहते हैं और आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन वर्क प्रपोजल जो है यहाँ पर आ सकते हैं। तीन लोग आपके साथ काम करने में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ऑफर करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सजेशन एक ही है, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। इमीडिएटली किसी का भी प्रपोजल आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, अपना पूरा टाइम लीजिए, सोचिए, समझिए, इवैल्यूएट कीजिए, तब जा करके ही हाँ कीजिएगा। पर्सनल लाइफ में किसी के मन में धीरे धीरे छोटी छोटी सी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स पर अपनी शुरू हो चुकी हैं, जिसका अंदाजा आज आपको उनकी हरकतों की वजह से लग भी जाएगा। कलर की यहाँ पे बात करें तो ब्लू कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करें तो नंबर 3 आपके लिए लकी रहेगा। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी केसेस के अंदर मुझे बच्चे को लेकर के बहुत चिंता आपकी दिखाई दे रही है। अगर बच्चा छोटा है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसके हेल्थ इश्यूज की वजह से मुझे आप काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर बच्चा नहीं है तो बच्चा ना होने की वजह से भी, यानी कि कंसीविंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको लेकर के भी आप मुझे यहाँ पर काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। पर मुझे एक चीज़ होप यहाँ पर ये भी दिखाई देती है कि आने वाले टाइमिंग में आपको स्पेसिफिकली इस मैटर में कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी ज़रूर मिलेगी। लेकिन आज आपकी चिंताएँ बच्चे को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी हुई दिखाई देती हैं। कलर की बात करें तो स्काई ब्लू कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करें तो नंबर 8 आपके लिए लकी रहेगा। सेजिटेरियस, कार्ड्स आए हैं द स्टार एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बस मैं तो बोल सकती हूँ आज का दिन तो ऐसा है कि अरे भाई, आपको कौन रोक सकता है, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका जो नाम है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हो आपका ना, मुझे लगता है आप वायरल हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर के। लोग सिर्फ आपके बारे में बात कर रहे हैं, सबकी निगाहें आपके ऊपर हैं, किस्मत का चक्र भी जो है वो भी आपके फेवर में ही घूम रहा है। तो दिन, अगर सोचिए जब मैं ये सारी लाइनें बोल रही हूँ, दिन कैसा होगा, दिन बहुत अमेजिंग होगा, बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आप जो चाहोगे, जैसे चाहोगे, चीज़ें वैसी होती हुई नजर आ रही हैं। विश फुलफिलमेंट भी दिखाई देती है, कोई इच्छा जो बहुत दिन से पेंडिंग थी, समझ लेना आज आपकी विश वो पूरी हो जाएगी। कलर की मैं बात करूँ तो ऑफ वाइट कलर एंड रेड कलर बोथ आर लकी फॉर यू। नंबर्स की बात करें तो नंबर 5 इज लकी फॉर यू। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ वॉन्स एंड एस ऑफ वॉन्स। ये है प्यार भरे लोगों के लिए। भाई, जिनके बीच में बहुत दिनों से बातचीत नहीं हो रही थी, नो कांटेक्ट के सिचुएशन में थी, तो ये लो जी, आ गया मैसेज। आज उनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज या कॉल आपको रिसीव हो जाएगी, बातचीत दोबारा से शुरू हो जाएगी। जो लोग सिंगल हैं बोलेंगे नहीं मैडम, कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट छोड़ो, यहाँ तो कोई है ही नहीं। यहाँ पर मुझे आपके केस में एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, किसी की नई एंट्री आज आपकी लाइफ के अंदर हो सकती है। काम को लेकर के भी कोई नया स्टार्टअप का मूड है तो वो बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए एनर्जीज बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही हैं। कलर की बात करें तो ब्राउन कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करें तो नंबर 8 आपके लिए लकी रहेगा। एक्वेरियस, कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड। लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इमोशनली मुझे बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड, बहुत ही अनहैप्पी से नज़र आ रहे हो। आपको लिटरली लग रहा है कि यार ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट स्टिल किसी एक चीज़ की कमी है, और वो एक चीज़ की कमी इतनी भारी है कि वो बाकी 3 पे भारी पड़ रही है एक तरीके से। तो आप मुझे सब कुछ ठीक होते हुए भी, मतलब कोई दिन में आज प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके इमोशंस में प्रॉब्लम है। आप मुझे इमोशनली काफ़ी ज़्यादा नाखुश आज नज़र आ रहे हो। कलर की बात करें तो डार्क मस्टर्ड कलर जो है वो लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूं तो नंबर 4 आपके लिए लकी रहेगा। स्पाइसेस, यानी कि मीन राशि, कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। आप अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं आज, जी हाँ, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हो गया मेरा यहाँ पे, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं परमानेंटली बाहर ही शिफ्ट होना चाहता हूँ, और उसको लेकर के आज से आप वर्किंग यहाँ पर शुरू कर देंगे। कुछ केसेस में, नॉट एवरीबडीज गुणा है ना, हर बंदा तो बाहर जाकर के शिफ्ट नहीं कर जाएगा, हर बंदे को पीआर नहीं चाहिए। कुछ लोगों के केस में ऑफकोर्स आप लोग पीआर के लिए ट्राई करने वाले हैं। कुछ एक के केस के अंदर मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि काफ़ी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। नई गाड़ी खरीदना के इच्छुक हैं तो नई गाड़ी आप खरीद सकते हैं, उसके लिए दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अगर आप कोई साधना शुरू करना चाहते हैं, कोई मंत्र चांट शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए उसकी शुरुआत करने के लिए भी दिन बहुत ही उत्तम है।
तो ये था आपका आज का टैरोस्कोप। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।